गाइस वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे हमारे पेंट्स के बारे में। जो भी हमारा रूफ पेंट्स है, इनमल पेंट्स है, उसके बाद वार्निशिंग है, उसका जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, यानी कि कितने गैलन में अपना कितना कवर होता है, और ड्राइंग टाइम क्या है उसका, उसका जो भी यूजेस कैसे करना है, कहाँ पर करना है, वो आज हम डिटेल में देखने वाले हैं गाइज। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना और वीडियो स्किप मत करना गाइज। आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो आप, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है गाइज। आप चाहे तो उसे डाउनलोड ज्वाइन करो गाइज, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन या फिर अपडेट वहाँ पर आपको डेली मिलेगा गाइज। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पेंट्स के बारे में, उसके बाद इनेमल पेंट्स और वार्निशिंग के बारे में। इसके पहले भी हमने प्राइमर और पेंट्स के बारे में वीडियो बनाया गाइज, प्राइमर, और आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए गाइज। बहुत सी चीज़ें वहाँ पर हमने प्राइमर और पेंट्स के बारे में डिस्कस किए। यहाँ पर आप डिस्कस करने वाले हमारा रूफ पेंट, जो कि एक्रेलिक रूफ सील्ड होता है हमारा ऑल वेदर कंडीशन के लिए, वो और डेविस रूफ पेंट। ये हमारे दो टाइप से कलर के पेंट्स के हमारे, उसका जो यूज़ है हम GI सीट और एजबस्टॉस ब्रिक्स, जो भी हमारे रूफ के सेड होते हैं वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। और वो डेविस रूफ है, यहाँ पर हम इसका यूज़ हम एल्यूमिनियम के ऊपर भी कर सकते हैं, एल्यूमिनियम एंड स्टील वर्क के लिए, क्योंकि ये कोरोजन फ्री होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसका मिक्सिंग हम कर सकते हो एक्रेलिक रूफ के लिए, उसका जो भी वाटर के लिए, और इसके लिए हमको पेंट थिनर लगेगा। इसका ड्राइंग टाइम देखा जाए तो 4 आवर्स, एंड आपको अगर रीकोटिंग करना हो तो ओवर नाइट तक रखना पड़ेगा उसको। और डेविस रूफ पेंट के लिए आपको 6 आवर मिनिमम तो उसका ड्राइंग टाइम है, इसको रखना पड़ेगा। अगर आप कन्वर्जन देखा जाए इसका कवरेज, तो एक आपका 1 गैलन में यानी कि 4 लीटर में आपका कवर होगा 30 to 40 square meter, यानी कि 1 गैलन यानी कि 1 गैलन इक्वल टू हमारा होता है 4 लीटर पेंट। 4 लीटर का जो भी कैपेसिटी, 1 गैलन इक्वल टू रहता है हमारा, इसका 1 गैलन में हमारा कवर होगा सेसेज 30 to 40 square meter के आसपास। उसके बाद हम देखेंगे इनेमल और हमारा ग्लॉसी पेंट के बारे में, जो कि इसके जो टाइप से हम देखेंगे, क्विक ड्राइंग इनेमल, इंटीरियर सेमी ग्लॉसी इनेमल, फ्लैट वॉल इनेमल और एक्सटीरियर ग्लॉस पेंट टिंटिंग कलर्स। इसके पहले वीडियोस में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की इसके ऊपर, अगर आप चाहे तो वो प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा गाइज। ये जो पहला पेंट होता है हमारा इनेमल वर्क होता है, क्विक ड्राइंग इनेमल, इसको हम एक्सटीरियर और वुड और मेटल सरफेस के लिए यूज़ करते हैं जनरली। और बीच में जो इंटीरियर है उसको इंटीरियर वुड्स और मेटल सरफेस के लिए यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हमारा फ्लैट वॉल इनेमल है, उसको हम इंटीरियर और वॉल सीलिंग के लिए एंड सीलिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एज ए साइट इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा जो भी टिंटिंग कलर्स है उसको वाइल्ड फेस के टिंटिंग कलर्स है गाइस। एक्सटीरियर ग्लॉसी पेंट है हमारा, वो भी हमारा मेटल के लिए या फिर वुड के लिए यूज़ होने वाला है गाइस। ये इसके थिनर है, पेंट के हमारे अलग थिनर होते हैं गाइस। अगर इसको देखा जाए तो ये सारे इनेमल या फिर ग्लॉसी पेंट है हमारे, इसको आप जो भी ड्राइंग टाइम है इसका, अगर रिकोटिंग करना हो तो आपको ओवरनाइट रखना पड़ेगा इसको, 1 डे के बाद ही, 24 आवर्स के बाद ही उसको आप बाद में रिकोटिंग करना गाइज। इसका जो ड्राइंग टाइम है 5 आवर्स, 6 आवर्स, 3 आवर्स, 6 आवर्स, ये एक बार आप देख लेना गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद मेन पार्ट है गाइज हमारा कवरेज का, यानी कि कितना आपका 1 गैलन में कितना स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर में आप वर्क कर सकते हो। आप देखना चाहते हो तो क्विक इनेमल हमारा जो भी क्विक वर्क करता है वो
30 to 40 square meter 1 gallon में कवर करता है गाइस, यानी कि 30 to 40 square meter यानी कि 300 या 400 square feet। ओके, आपने पहले वीडियोस में हमने डिटेल में इसका यूनिट कन्वर्जन के ऊपर भी देखा है, क्योंकि लीटर का कन्वर्जन गैलन, गैलन का कन्वर्जन लीटर, और उसके बाद का कन्वर्जन हम स्क्वायर फीट का हमने किया था क्यूबिक फीट में, स्क्वायर फीटर का हमने स्क्वायर फीट में किया था, और उसके बाद ब्रास में कन्वर्जन किया था। जो भी हमारी वाल होती है उसका ब्रास में हमने कन्वर्जन किया था 10 by 10 feet की। उसके बाद जो भी इंटीरियर ग्लॉसी फ्लेंट है हमारा, वो 22 to 30 square meter कवर करेगा। 40 to 45, 30 to 35 square meter हमारा एरिया कवर करेगा गाइस। हमने इसके यानी कि वन ब्रास होता है हमारा 100 square feet। ओके, उसके बाद आपको कन्वर्जन करना है 100 square feet इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर मीटर। ओके, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये सारी चीज़ें हमने पहले वीडियोस में, यूनिट कन्वर्जन का वीडियो नहीं देखा तो वहाँ पर आपको मिलेगी गाइस। हर एक चीज़ हमने वहाँ पर डिस्कस किए, जो कि RCC ड्राइंग के ऊपर, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के ऊपर, साइटिंग चेंजर के बहुत सारे थंब रूल्स वहाँ पर हमने डिस्कस किए गाइस। अगर आप चाहे तो वो वीडियोस देख सकते हो। बहुत सारा बेसिक नॉलेज हमने कवर किया है वहाँ पर, साइटिंग इंजीनियर बेसिक नॉलेज, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसके बाद है गाइस वार्निशिंग, यानी कि वार्निशेस के जो भी टाइप्स है वो आज हम देखेंगे। वार्निशेस हम जनरली यूज़ करते हैं फर्नीचर या फिर हमारे स्लाइडिंग डोर फ्लोर्स के ऊपर, जो भी कैबिनेट डोर वुड के ऊपर हम वार्निशेस यूज़ करते हैं गाइस। ज़्यादातर हम फर्नीचर के लिए यूज़ करेंगे वार्निशेस के लिए, जो कि हम देख सकते हैं वॉल्स पर या फिर स्पर वार्निश, हाई सॉलिड सैंडिंग सीलर, हाई सॉलिड क्लियर ग्लॉस लिक्विड। तो इसका जो ड्राइंग टाइम रहता है गाइस अलग अलग रहता है। इसको आप वॉल्स पर के लिए आपको 24 आवर रखना पड़ेगा। उसके बाद सैंडिंग सीलर के लिए आपको 10 मिनट्स मिनिमम, इसका कम है, 10 मिनट्स to 30 मिनट्स आपको रखना पड़ेगा ऑयल पेंट के लिए वार्निशिंग। उसके बाद हाई सॉलिड के लिए आपको 30 मिनट तो देना ही पड़ेगा उसके लिए। उसके बाद मेन आता है उसका जो कवरेज होता है हमारा, 1 गैलन में कितना वार्निश अपनों कितना कवर करेगा एरिया। तो इसमें एरिया कवर करता है 40 to 50 square meter, इसमें करेगा हमारा 40 to 50 cm, उसमें करेगा हाई सॉलिड क्लियर ग्लॉस में 30 to 40 square meter। इसका जो ड्राइंग टाइम होता है कम होता है एज़ पर हमारे पेंटिंग के हिसाब से। इसका ड्राइंग टाइम आपको अगर रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो एक रिकॉर्ड आप 30 मिनट बाद जिसका कर सकते हैं, आधे आधे घंटे बाद रिकॉर्ड कर सकते हैं इसको। अगर जनरली आपको 3 कोट में वार्निशिंग करना पड़ेगा, पेंटिंग करना पड़ेगा, प्राइमर और पेंट वर्क करना पड़ेगा 3 या 4 कोट में, तो आप इसके हिसाब से आप देख लेना एज़ पर साइट आपको कौन सी कंडीशन जेन्युइन में यूज़ होती है, जनरली यूज़ होती हो। अगर आपको एज साइट वीडियोस चाहिए, साइट के ऊपर कैसा वर्क होता है, साइट एक्चुअल वीडियोस चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस की है साइट इंजीनियर के बारे में। आपको एक RCC बिल्डिंग का डिज़ाइन करना हो तो आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हो गाइज, हमारे वीडियोस देख करके। RCC डिज़ाइन यानी कि प्लानिंग, एस्टिमेशन, शेड्यूलिंग, कॉस्टिंग, उसका जो भी प्लानिंग हो आप हमारे वीडियोस देख के एक G+2 बिल्डिंग का डिज़ाइन कर सकते हो इजीली गाइज। बस आपको हमारे डिज़ाइन के वीडियोस देखने, उसके ऊपर आपको RCC G+2 का डिज़ाइन कन्फर्म आ जाएगा गाइज। चाहे तो आप एक बार वीडियो प्लेलिस्ट में जाओ, चेक करो हमारे वीडियोस कैसे बनाए, कुछ नहीं। RCC G+2 का आप इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन कर सकते हो हमारे वीडियोस के ऊपर। तो गाइस मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए, या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी RCC डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, एस्टिमेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो, तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए,
उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको कोई भी RCC के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइस। आप चाहे तो मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरी जो भी कांटेक्ट डिटेल यहाँ पर दी है मैंने। थैंक यू। तो गाइस अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, अगर आपको डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है आपको पता नहीं है, तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके ऊपर जाके ये आप स्टॉक का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो गैस, जो कि बहुत ही अच्छा है यूज़ करने में और उसका ब्रोकरेज भी 0% है 20, जो कि हमारे हर एक ब्रोकर के जो रूल्स है उसके हिसाब से ये ब्रोकर है हमारा अप स्टॉक। तो आप जो आपको ऑफर भी मिलेगी गाइस, जो कि डिस्काउंट ब्रोकर है उसकी तरफ से, और मेरा जो VIP चैनल है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, उसको आप में आपको फ्री में ज्वाइनिंग मिलेगी गाइस। तो लेट मत करो गाइस, क्योंकि ये जो आप स्टॉक का जो डीमैट अकाउंट है ये बस आपको 10 मिनट में मिल जाएगा गाइस। तो गाइस जितना हो सके उतना जल्दी आप मेरे लिंक्स के ऊपर जाके अपना अकाउंट ओपन करो गाइस। वो गाइस आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जिसकी एंजल ब्रोकिंग है, ऑफ स्टॉक है और जीरोधा है और हमारा नया आया वाला फायर से। इसके ऊपर खास ऑफर से गाइस, अगर आप मेरे लिंक के ऊपर जाके ये अकाउंट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, तो आपको मिलेगा गाइस हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जो भी VIP ग्रुप है उसके ज्वाइनिंग करने का एक अपॉर्चुनिटी चांस मिलेगा गाइस, जो कि आप मिस नहीं करना चाहोगे गाइस। तो मेरे लिंक पे जाके आप अकाउंट ओपन करना और मुझे मैसेज करना गाइस, और मैं आपको हमारे जो भी VIP ग्रुप है उनके साथ ज्वाइन कर लूँगा गाइस, जो कि बेस्ट है आपके लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। आई हमारी हाई राइज बिल्डिंग है गाइस, जो कि पार्किंग प्लस 15 स्टोरी बिल्डिंग है हमारी। अगर इसका आपको RCC डिज़ाइन चाहिए प्लान फ्रॉम प्लिंथ लेवल टू टेरेस लेवल, अगर आपको इसका आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल प्लान देखना है एज ए स्टडी पर्पज़ कैसे होता है, इसका कॉलम डिटेलिंग और बीम का शेड्यूल आपको जानना है, तो आने वाले वीडियोस में उसके ऊपर बनाऊंगा गाइस। तब तक के लिए इस वीडियो को 100 लाइक्स तो मिलने चाहिए गाइस। इसका जो वर्किंग ड्राइंग है, सबमिशन ड्राइंग है एज अ स्टडी पर्पज आपको चाहिए, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, पर इस वीडियो को 100 लाइक्स आने चाहिए गाइस, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू।